जो आप दो पॉपकॉर्न ले गए थे तो उनका रिजल्ट कैसा है हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत ही काफी अच्छा है। ये इसका फिनिशिंग कैसा हमने दिया, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। जैसे मैंने बताया था इससे भी काफी बेटर बनाया आपने, बेटर है। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, वी आर सोडा मशीन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से तीसरी बार हमारे कस्टमर सलीम भाई हमारी कंपनी में आए हुए, जो हमारे पास से पहले दो पॉपकॉर्न मशीन ले गए और आज पॉपकॉर्न वर्मर लेने आए हुए। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको कहीं पे देखने नहीं मिलेगा, पॉपकॉर्न वर्मर। इसके अंदर जो पॉपकॉर्न रहता है वो स्टोर होता है और हमारे जो कस्टमर है सलीम भाई, उन्हें काफी अच्छी और काफी बढ़िया बिक्री है क्योंकि बड़े बड़े पाउंड बेचते हैं। तो हम हमारे कस्टमर से भी रिव्यू लेंगे। सलीम भाई, कैसे हो? फर्स्ट क्लास, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर, आप हमारे पास से दो पॉपकॉर्न जो ले गए थे इससे पहले, हमने इनकी वीडियो रखी हुई, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आप दो पॉपकॉर्न ले गए थे तो उनका रिजल्ट कैसा है हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत ही काफी अच्छा रिजल्ट था और मतलब बनाकर स्टोर नहीं कर पाता था मैं। अच्छा। तो काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए मैं परचेस करने आया हूँ अभी पॉपकॉर्न। अच्छा। वर्मर का मशीन, जो पॉपकॉर्न मशीन में आप जो स्टोर करते थे तो स्टोरेज छोटा पड़ता है, छोटा पड़ता था। अच्छा, तो इतनी बढ़िया बिक्री आपके, बिक्री ज्यादा है। जी जी जी। अच्छा, बिक्री ज्यादा है तो फिर आप अब क्या करेंगे इसके अंदर? बना के इसमें रख देंगे। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एकदम से, अगर कस्टमर आते हैं तो फिर मैं इसमें बना के कर सकता। यानी आप वो बड़े बड़े कंटेनर बेचते हैं, क्वांटिटी टब होते हैं ना, टब, हाँ बड़े टब होते हैं। वैसे ये इसका फिनिशिंग कैसा हमने दिया? काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। जैसे मैंने बताया था इससे भी काफी बेटर बनाया आपने, बेटर है। अच्छा, यानी यहाँ पे हमने गोल्ड पियागो फिनिश दिया हुआ है मिरर में, जो ये स्टेनलेस स्टील है और यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हैं हमारी फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप हमारा सुंदर एकदम देख सकते हैं, लेजर कट का जो हमारा वर्क है वो आप देख सकते हैं। हम आपको मशीन बैक साइड से भी बताने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारे कस्टमर पॉपकॉर्न निकालेंगे, यहाँ पे पॉपकॉर्न का स्टोर होगा, आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्टोर होगा। सलीम भाई, अंदाजन इसके अंदर कितना पॉपकॉर्न स्टोर हो पाएगा? हाँ, स्टोर आई थिंक मेरा जो टब बेचता हूँ ना, बड़े वाला टब, वो आराम से 25-30 टब इसके अंदर, 30 टब, हाँ 30 अगर कस्टमर आते अचानक से तो उसमें ऑन द स्पॉट में 30 टब बेच सकता हूँ उसमें। और जो हमने वर्मर का जो क्वालिटी दिया, आपको क्या लगता है? काफी अच्छा है, अच्छा रहेगा, इसके अंदर कुरकुरे टाइप का रहेगा, काफी अच्छा रहेगा, क्रिस्पी रहेगा, क्रिस्पी रहेगा। अच्छा, यानी लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहेगा। अच्छा, बारिश की सीजन में जो पॉपकॉर्न नरम हो जाता है वैसा नहीं रहेगा, वैसा नहीं रहेगा इसके अंदर, जैसा आप बनाओगे वैसे ही मैं चाहता था, उस तरीके से जैसा आप चाहते थे वैसा ही बनाया। अच्छा अच्छा। और एक जो पॉपकॉर्न की हमारी जो मशीन है उसमें 250 ग्राम का बाउल है जी, तो आप उसमें कितना स्टोर कर सकते हैं 250-250 ग्राम? उसमें काफी कम स्टोर कर सकते। एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर करना रहता है। अच्छा, तो सोल्टेड है जो उसमें से मैं सेल कर सकता हूँ, इसमें मैं चीज या चाट मसाला बना के रख सकता हूँ। अच्छा, इसके लिए आपकी, हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ज्यादा है, इसके लिए आपने, हाँ, इसके लिए आपने मैं चीज बना के रखता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा, चीज है, टोमेटो है वगैरह वगैरह अलग अलग। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सिनेमा है पार्क के अंदर, आप अगर पॉपकॉर्न का बिजनेस कर रहे हैं या तो कोई भी ऐसी लेक के पास, आप कहीं पे भी पॉपकॉर्न का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये टाइप का फूड वर्मर की अगर इंक्वायरी है, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी आर सोडा मशीन।